ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे तो खुद भी कर चुके होंगे, फिर भी मैं सारे पार्ट्स करूंगा, जो नहीं आता है आप चेक कर लो। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी फाइंड करना है, नॉर्मल भी फाइंड करना है टू द कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो ये कर्व दिया हुआ है और ये इंडिकेटेड पॉइंट क्या है, 0.5। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, कैसे, डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 4x³, और ये 3 आगे आएगा यहाँ तो 18 हो जाएगा, और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, फिर 13x² है यहाँ पर, तो 2 आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा 26x, ठीक है, माइनस 10x का क्या हो जाएगा 10, और 5 का क्या हो जाएगा 0। तो ये तो आ गया आपके पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको अगर स्लोप निकालना है, ठीक है, किसका, टेंजेंट का, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा -10। किसका स्लोप आ गया, ये आ गया आपका स्लोप किसका, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का भी स्लोप की जरूरत अभी आपको पड़ेगी, तो आपको पता है क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 होता है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होती है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालें तो एम एन का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आया है, -10 आया है, तो यहाँ हमने रख दिया -10, स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह माइनस माइनस कैंसिल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो आएगा आपका क्या, 1/10, करेक्ट। इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अब हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्या, y - y0 इज इक्वल्स टू f' ऑफ x0 इंटू x - x0। तो y - y0, y0 क्या है, ये x0 y0 क्या होते हैं, जहाँ से टेंजेंट पास करता है ना, तो ये x0 है और ये y0 है, तो y0 की जगह हमने 5 रखा, इज इक्वल्स टू f' ऑफ x0 मतलब स्लोप, स्लोप कितना है टेंजेंट का, -10, और x - x0 कितना है आपका 0। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो जगह y - 5 इज इक्वल्स टू -10 इंटू एक्स -10x, और 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो -10x को लेफ्ट में लेके आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10x, और प्लस का तो y है ही है, और -5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा स्टूडेंट्स, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, y - y0 इज इक्वल्स टू -1/f' ऑफ x0, ठीक है, इंटू x - x0। तो ये चीज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये पूरा पोर्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो x - x0 के आगे हमको कुछ नहीं रखना है, हमको क्या रखना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल रखना है, और वो क्या है, 1/10 है, क्योंकि भाई आप अगर -1/f' ऑफ x0 करोगे तो f' ऑफ x0 क्या आया था आपका, -10 आया था, तो स्लोप तो क्या आ जाएगा, 1/10 ही आ जाएगा ना, किसका, नॉर्मल का। तो y - y0 इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, 1/10। सिंपल सा फंडा है यार, लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, y - y0 और यहाँ रखा जाता है स्लोप, और फिर x - x0, जो लाइन का स्लोप दिया हो और लाइन जिस पॉइंट से, एक पॉइंट से अगर पास कर रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसका स्लोप, ठीक है, और x - x0, y0 की जगह आप क्या रखोगे फिर से 5, और x0 की जगह आप क्या रखोगे 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास y - 5 इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू x/10, ठीक है, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से लेफ्ट में, 10 से राइट में, 10 से 10 गया, तो ये x को आप लेफ्ट में ले आओगे तो क्या हो जाएगा -x, और प्लस 10y, और 10 5 50, -50 इज इक्वल्स टू 0। एक्स के कोफिशियंट को आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो पार्ट टू देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है, आपको कर्व वही दिया है जो शायद पिछली बार दिया हुआ था, तो ये हमने कर्व का डेरिवेटिव निकाला है। अब कर्व एट, देखिए अब मैं डायरेक्ट MT लिख रहा हूँ, MT का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ जाएगा, dy/dx एट x इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दें, 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 × 1³, 4 -18 × 1² 1 होता है, तो ये -18 आ जाएगा, और प्लस 26 × 1 = 26, और -10। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों हो जाएगा आपका माइनस का 14, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 26 - 10 = 16, आंसर आ गया आपका प्लस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया, 2 आ गया, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1/स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो ये हो जाएगा -1/स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है आपका 2 है।
तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस वन अपॉइंट टू आ चुका है आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट कितना है थ्री, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है टू इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है वन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस टू। और ये आप एक काम करिए, पता है यहाँ पे आप जीरो कर लो लेफ्ट में, इसको सबको राइट में भेज दो, तो टू एक्स माइनस वाई और प्लस वन बच जाएगा, माइनस थ्री उधर जाएगा प्लस थ्री, प्लस थ्री और माइनस टू वन। अब हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट में हमारा जीरो बच गया, तो दिस इज इक्वल्स टू भी जीरो बोल सकते हैं हम, यानी कि टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि नहीं दिया वो सब आप मैच करा लेना, ये भी इक्वेशन बिल्कुल सही है, पता लगा वन को राइट में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ क्या रखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट की जगह क्या आ जाएगा वन और वाई नॉट की जगह क्या आ जाएगा थ्री, ओके। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं क्या कि इसमें उठा के माइनस टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में भी हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया और जब हम राइट में माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टू से टू कट जाएगा, नहीं माइनस माइनस भी हट जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा आपके पास राइट हैंड साइड, आपके पास बचेगा एक्स माइनस वन, लेफ्ट में बचेगा आपके पास माइनस ऑफ टू वाई और माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स। अब बच जाएगा आपके पास लेफ्ट में जीरो, तो इज इक्वल्स टू एक्स, अब ये टू वाई राइट में जाएगा तो प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई और माइनस वन और ये सिक्स जाएगा तो माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस सेवन, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा आ जाएगा, आप भी सॉल्व कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स पार्ट थ्री, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट एक्स एट वन कोमा वन, ठीक है। तो एक्स नॉट वाई नॉट दिया हुआ है और एक कर्व दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थ्री आ गया, आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो गया। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एम टी का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट और एम एन का मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन में सब लैंग्वेज वैंगेज लिख के आपको दिखाई है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है आपका वन, मीन्स इसमें एक्स की जगह वन डालोगे तो वन का स्क्वायर वन, थ्री वन जा थ्री, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया थ्री हो गया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है थ्री, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस वन अपॉन थ्री। अब इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट कितना है वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है थ्री इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है आपका वन है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इस पूरे को राइट में ले जाओ तो यहाँ लेफ्ट में जीरो बच जाएगा और उसके बाद हम राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख लेंगे, ठीक है। तो थ्री एक्स माइनस वाई और वन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, यानी कि आपका थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इज द व्हाट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब देखो एनसीईआरटी की मैच करने वाली बात है, वो सब आप चेक कर लेना, पता लगा उन्होंने ऐसे आंसर दे दिया हो बात समझा रहा, वाई को राइट में भेज दिया हो है ना, तो वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू बोल दिया हो, ठीक है, कुछ भी, या टू को राइट में भेज दिया हो थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो वो सब मैटर नहीं करता है, ये आपकी इक्वेशन है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है कि आपका आंसर मैच ही हो, मैच तो कर ही रहे है ना, बस इधर उधर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया चीज़ों को, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, y माइनस वाई नॉट कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है माइनस 1 अपॉन 3 आया है इन द ब्रैकेट x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट कितना है 1, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस 3 से, जिससे 1 हो उससे कर दो, तो 3 से हमने लेफ्ट में और 3 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 गया 3 इंटू वाई, 3 वाई माइनस 3 वन जो 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये बाहर माइनस से ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, एक्स को लेफ्ट में ले आओ तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और 3y तो था ही पॉजिटिव, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट पॉइंट 1,1। फ्रेंड्स पार्ट फोर्थ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 0,0, ठीक है। तो एक बार बताओ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनता है, इतना तो पता होना चाहिए क्लास 12th में। इसका जो कर्व होता है वो पैराबोला होता है, जो कहाँ से पास करता है ऑरिजिन से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या आपका ऑरिजिन, यानी कि 0,0। तो इसी पॉइंट पे बात करिए यार, ये ध्यान चेक करो, ये किसका कर्व है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है वाई है, ओके चलो बहुत बढ़िया।
अब ध्यान से चेक करो क्या, अगर हम आपको बोलें कि उन्होंने 0.0 पे किसकी बात करी है कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ और नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं, ये देखिए ये मेरा ब्लू मार्कर है, ध्यान से चेक करिएगा, मैंने बोला कि भाई 0.0 पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस पे, तो आप बोलोगे ठीक है भाई कर रहे हैं। तो आपने जब टेंजेंट ड्रॉ करी, ध्यान से करिएगा ब्लू मार्कर को, ब्लू ब्लैक के ऊपर चलने जा रहा है ये देखो, ये यही तो भैया टेंजेंट आ गई, कहाँ 0.0 पे जो टेंजेंट आई ये ब्लू कलर की, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट आई है 0.0 पे, जो इस कर्व पे टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे 0.0 पे, वो टेंजेंट बड़ी स्पेशल टेंजेंट है, वो एक्स एक्सिस है भैया, ये टेंजेंट खुद ही एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है ना। और सुनो एक बार बताओ, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती, वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस ही तुम्हारा क्या है टेंजेंट है, इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, y इज इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी तुम्हारी, y इज इक्वल टू 0 आएगी। अब बात करते हैं नॉर्मल की, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका क्या कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। तो ध्यान चेक करो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, टेंजेंट जब x एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, y एक्सिस, यानी कि यही जो y एक्सिस है स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिए, यही जो y एक्सिस है दिख रहा होगा आपको, यही जो y एक्सिस है, यही क्या है इस टेंजेंट पे नॉर्मल है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब नॉर्मल खुद ही कौन हो गया, नॉर्मल खुद ही वाई एक्सिस हो गया, कहाँ पर 0.0 पे। तो जब नॉर्मल वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने पढ़ी होगी एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आनी चाहिए वो एक्स इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो आइए जरा चेक करते हैं, ये तो हमने आपको विजुलाइज करा दिया। तो सबसे पहले हमने निकाला है यहाँ पर डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, और आप एक चीज़ देख लीजिएगा, आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आना चाहिए, 0। क्यों भाई, क्योंकि टेंजेंट खुद ही एक्स एक्सिस है, और टेंजेंट अगर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पड़ी हुई है, लाई कर रही है, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 0। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan 0 हो जाएगा टेंजेंट के लिए, और tan 0 0 ही तो होता है, यानी कि स्लोप 0 आना चाहिए। तो आइए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से चेक करते हैं, स्लोप 0 आ रहा है कि नहीं, किसका, टेंजेंट का। तो dy बाई dx, क्योंकि भाई चेक करो ना, ये टेंजेंट का x एक्सिस के साथ कोई झुकाव ही नहीं है, कोई एंगल ही नहीं बना रही है, तो इसका झुकाव ही क्या होता है, उसका स्लोप, ठीक है। तो कोई जब एंगल ही नहीं बन रहा है तो स्लोप है ही नहीं इसका कुछ। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू, हाँ भाई x नॉट कितना है आपका, 0, तो इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू 0 रखो, तो ये देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया कितना, 0 आ गया कि नहीं आ गया, 2 इंटू 0 0। उसके बाद अगर हम आपको बात करें क्या कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल के दिखाइए मुझे, तो आप बोलोगे माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए क्या कि ये जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90, यानी कि इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, टैन थीटा, और थीटा क्या है, 90, टैन 90 कितना होता है, टैन 90 होता है आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को हमने आपको बताया था 1/0 आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्लोप आया है किसका, एम एन का, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और कैसे, आप यहाँ से देख सकते हो, माइनस 1/mt, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, 0, तो माइनस 1/0 बोलो चाहे 1/0 बोलो, बात क्या है, सेम है एक्चुअल में, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नॉट डिफाइंड, बात समझ में आ गई, ऊपर कुछ भी हो, माइनस 1 हो 2 हो 3 हो, नीचे 0, तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, वैसे तो हमने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के दिखा दिया है, फिर भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं, क्या होता है, वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट कितना है, 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्लोप रखते हैं किसका, टेंजेंट का, तो टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 इन द ब्रैकेट x माइनस x नॉट, x नॉट कितना है आपका, 0 है। अब देखो राइट हैंड साइड x माइनस 0 x, 0 इंटू x, 0, और y माइनस 0 y, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यही हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर हम निकालें यहाँ से, इक्वेशन ऑफ द व्हाट, ऑफ द नॉर्मल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी बताओ, y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट कितना है, 0 इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान दें यहाँ पर किसका स्लोप रखोगे, नॉर्मल का, और नॉर्मल का स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा आया है ना, चलो ऐसा ही रख लो तुम, माइनस बोलेंगे 1/0 रख दिया, अरे माइनस 1/0 रख लो यार, क्या हो गया, और एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है आपका, 0 है, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस 0, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/0, और एक्स माइनस 0, ऐसे कर लो, ठीक। अब अपने कैलकुलेशन के लिए आप 0 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड आपके पास बचा माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 0 कितना हो गया अंदर, अरे ये 0 इधर गया, 0 इंटू वाई 0,
x माइनस जीरो एक्स, ओके, तो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आ गया, करेक्ट, ये आ गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन बोथ साइड, लेफ्ट में माइनस वन से राइट में माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस वन इंटू जीरो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि जीरो इज इक्वल्स टू एक्स बोलो या एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बोलो, बात क्या है, सेम है। तो देखा आपने नॉर्मल की इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आ गई और टेंजेंट की इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू जीरो आ गई। पार्ट फिफ्थ, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन टी एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, यानी कि एक्स भी किसका फंक्शन है टी का और वाई भी किसका फंक्शन है टी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना होगा तो आपको तो पता ही कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट वॉट, अब यहीं पे चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है, बात समझो जरा, एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, ठीक है, जो बच्चों ने इंट्रोडक्शन दिया देखा होगा उनको आराम से समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो ये चीज़ अगर आपको निकालनी तो उसके लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स तो पता होना चाहिए ना, और पैरामेट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स कैसे दिया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स हमको दिया जाता है कैसे, डी वाई बाय मतलब वाई का डेरिवेटिव पैरामेट्रिक वेरिएबल के फॉर्म में, पैरामेट्रिक वेरिएबल क्या है यहाँ पर, टी, क्योंकि वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है एक्स भी टी पे, यानी कि डी वाई बाय डी टी और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। तो इस फॉर्मूले से हम डी वाई बाय डी एक्स निकाल सकते हैं, तो हमको डी वाई बाय डी टी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल्स टू साइन टी, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें साइन टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी हो जाएगा बस, और टी का टी के रिस्पेक्ट में वन होता है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, इसका किया फिर टी का किया तो वन आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास है एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस टी, इसमें हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, तो एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डी वाई बाय डी एक्स अब फाइंड कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे रखेंगे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, डी वाई बाई डी टी कॉस टी, तो ऊपर हमने रखा क्या कॉस टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, नीचे रखेंगे तो वो जाएगा नीचे माइनस साइन टी, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, और कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी होता है, कॉट टी हो गया, ये कोई डाउट है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, तो ध्यान से चेक करिएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आया है आपका क्या आया है कॉट टी आया है, ठीक है। तो cot t में आपको t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, पाई बाई फोर, तो माइनस ऑफ यही नीचे कर देता हूँ, ऊपर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाई फोर, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स आया था उसमें t की जगह क्या रखना है हमको, पाई बाई फोर, तो माइनस cot cot और t, t की जगह पाई बाई फोर रख दो, ठीक है। सबको पता है क्या cot थीटा, थीटा अगर पाई बाई फोर यानी cot 45 कितना होता है 1, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी 1, और आगे लगा हुआ था क्या माइनस, इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया माइनस 1 हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आया आपका माइनस 1 आया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ अब हम फाइंड करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिएगा, y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x नॉट, f डैश x नॉट का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको x नॉट y नॉट नहीं पता, तो वो कैसे निकालते हैं, ये जो x की पैरामीटर की इक्वेशन दी और y की पैरामीटर की इक्वेशन दी, इसमें हम t की जगह कितना रख देंगे पाई बाई फोर, तो x की वैल्यू x नॉट की वैल्यू आ जाएगी और t की जगह पाई बाई फोर रखते तो y नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको, x नॉट इज इक्वल्स टू वॉट कॉस पाई बाई फोर, तो कॉस टी की जगह हमने रखा पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर क्या होता है 1/√2, पाई बाई फोर मतलब 45, कॉस 45 1/√2 होता है, और इसी तरीके से वाई नॉट इज इक्वल्स टू साइन टी की वैल्यू, यानी कि साइन टी टी की वैल्यू क्या रखोगे पाई बाई फोर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बाई फोर 1/√2, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी इक्वेशन में, तो वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1/√2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है आपका माइनस वन, तो इसकी जगह हमने रखा माइनस वन। आप यहाँ लैंग्वेज भी लिख सकते हो एम टी की जगह, अगर आप चाहो एग्जाम में तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा एस एल ओ पी ई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है आपका 1/√2 है, अब इसको करना पड़ेगा हमको सॉल्व, तो कैसे करें, ये हो जाएगा वाई माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, यानी कि माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/√2, करेक्ट, x आएगा यहाँ लेफ्ट में तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x और फिर माइनस का y, सॉरी प्लस का y, x आया पॉजिटिव और y के सामने तो पहले ही पॉजिटिव लगा हुआ था, फिर
ध्यान चेक करिए, माइनस वन अपॉन रूट टू हमने कॉपी किया और राइट से लेफ्ट लेके आए ये वाले माइनस, ये वाले वन अपॉन रूट टू को, तो राइट में पॉजिटिव था लेफ्ट में ये नेगेटिव हो गया, माइनस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू में जीरो बच गया, कुछ नहीं किया है, एक्स को लाए पॉजिटिव हो गया और ये वाले वन अपॉन रूट टू को लाए तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस। अब ध्यान दें, क्या आपको ये नहीं पता कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है और साइन लगाना है माइनस का। तो बताओ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस टू एक्स, माइनस एम माइनस एम माइनस टू एम, तो माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू टू टाइम्स माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स, एक्चुअल में माइनस में आएगा आंसर, यानी कि टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स वन अपॉन रूट टू, टू टाइम्स मतलब टू इंटू वन अपॉन रूट टू। अब टू इंटू वन अपॉन रूट टू का मतलब क्या होता है? टू अपॉन रूट टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ऐसी तो आनी ही रही होगी इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, हम टू अपॉन रूट टू को रेशलाइज कर लेते हैं। कैसे? रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने और रूट टू से हमने किया नीचे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ध्यान से चेक करिए, ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि x प्लस वाई और माइनस टू रूट टू तो ऊपर आ जाएगा और नीचे देखिए रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू जीरो। ये टू से टू कैंसिल हो गया और x प्लस वाई माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल के दिखाता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट की जगह फिर से हम क्या पुट करेंगे, वन अपॉन रूट टू। ओके, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना निकाला था आपने, वन, और इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना आया था, वन अपॉन रूट टू, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू, भाई वन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, वन इंटू एक्स एक्स और वन इंटू माइनस वन अपॉन रूट टू, तो इतना ही तो आ जाएगा वापस x माइनस वन अपॉन रूट टू। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे भी माइनस वन अपॉन रूट टू है, यहाँ पे भी, अगर इस माइनस वन अपॉन रूट टू को राइट में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन रूट टू, तो माइनस का वन अपॉन रूट टू प्लस वन रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x, तो y इज इक्वल्स टू x इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये रही इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और ये है आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।